गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, LCM पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, क्लास 4, चैप्टर नंबर 2, पानी अमृत है। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवा कर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अब भी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। हलक सूखे पानी है, पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। गला सूख रहा है क्या पानी है? हलक तो मेरा भी सूखा है, मशक में 2 बूंद पानी रहियो, ले तू पी। ऊँट को रोकते हुए पति बोला, ना सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी तू पी ना तू पी। कहते कहते दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। पानी का महत्व। पानी को अमृत कहा गया। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है। पानी से हमारे अधिक कार्य होते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दांत साफ करना, ये सारी क्रियाएं पानी से ही संभव है। बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। किसान भी वर्षा के बाद भी उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। तो पौधों को वृद्धि करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बांध के रूप में विनाशील मशाल वाले पानी को इन बाधाओं में रोककर निर्माण कार्य में लगाया जाता है। पानी में जीवन देने की शक्ति होती है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षर भंडार हमें दिए हैं, फिर भी अशुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। शब्द अर्थ। मरुभूमि रेगिस्तान, उपजाऊ पैदावार देने वाली, दंपत्ति पति पत्नी, आवश्यक जरूरी, विनाशलील नष्ट करना, दिनचर्या रोज का काम, निर्माण रचना बनाने का काम, नियत प्रति प्रतिदिन हर रोज उपलब्ध प्राप्त। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, पानी को अमृत क्यों कहा गया है? आंसर, पानी को अमृत इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे कौन कौन से कार्य पानी से होते हैं? आंसर, पानी से हम रसोई घर का काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना और घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ होता है? आंसर, नदी पर बांध बनाने से बाढ़ के रूप में विनाशलील मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्य में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थानी और उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ दिया? आंसर, राजस्थानी और उसकी पत्नी का प्यास से हलक सूख रहा था, जिस कारण दोनों ने दम तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं का पानी दूषित कैसे हो जाता है? आंसर, गाँव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के पास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसे करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है।